हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ रेस्टोरेंट की कहानी का पार्ट 3 लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में ये पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। इफ़ अभी तक आपने इस स्टोरी के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुने हैं तो आपको उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप पहले उन पार्ट्स को सुन लीजिए। इस स्टोरी को विकास शर्मा जी ने लिखा है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप में से लगभग बस 37% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बेहतरीन हॉरर स्टोरीज सुन सकें। अब शुरू करते हैं कहानी को। मैं बेहोश हो चुका था। मेरी आंखें जब धीरे धीरे खुलना शुरू हुई तो मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। शिवांश, शिवांश, उठो ना, क्या हुआ तुम्हें, किससे डर रहे हो? मुझे वो आवाज़ जानी पहचानी लगती है और मैं उठकर ऊपर की ओर देखता हूँ और बोला, तुम? वो और कोई नहीं, एलिसिया थी। मैं उससे पूछता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अकेला कैसे आने देती? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मैं मर ही जाता ना, या फिर मिलता भी नहीं कभी। तुम ऐसे कभी नहीं थे तो आज मेरे साथ ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? अब देख लिया ना, यहाँ से चली जाओ तुम, प्लीज़ मुझे छोड़ दो यहाँ पे। मुझे डर था कि अगर मैंने एलिसिया को अपने साथ रखा तो कहीं उसका हाल भी रितिका की तरह ना हो जाए, इसीलिए मैं उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। हम दोनों बहस कर ही रहे कि ऊपर से किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों का शरीर एकदम से सुन्न पड़ चुका था। एलिसिया के सर पर पसीने साफ देखे जा सकते थे। हम दोनों ऊपर देखने लगे और एलिसिया बोली, कौन हो सकता है? मैं कौन सा यहाँ पर डेली आता हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो ऊपर चलकर देखते हैं, हो सकता है कि कोई हमारी तरह यहाँ पर आकर फंस गया हो। लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई और है, एटलीस्ट कोई जिंदा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। एलिसिया कहती है, ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ रहा है। एलिसिया दरअसल एक ज़िद्दी लड़की थी, पर वो कभी भी किसी का गलत नहीं सोचती थी और उसकी ये बात मुझे काफ़ी पसंद भी थी। हम दोनों ऊपर जाने लगे। वह आवाज़ बहुत ही अजीब थी। ऊपर जाते वक्त वो आवाज़ पूरी तरीके से बदल गई। ध्यान से सुनने पर ऐसा लग रहा था कि कोई अपने नाखूनों से दरवाज़ों पर जोर जोर से खुरेद रहा हो। जब हम आवाज़ के अंत तक पहुँचे तो वो आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि वो उसी कमरे से आ रही थी जिस कमरे में रितिका और मैं रुके हुए थे। वो कमरा था रूम नंबर 13। एलिसिया जैसे ही उस रूम का दरवाज़ा खोलने के लिए चलती है, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, मत खोलो, और उसका हाथ पकड़ के मैं उसे फ़ौरन नीचे लेकर आता हूँ और उसके बाद उसे बताता हूँ कि वही कमरा है जिस कमरे में मैं और रितिका रुके थे और इसी कमरे में रितिका की हालत ख़राब हुई थी। उस पर एलिसिया ने कहा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ जो कोई भी है तो उसने रितिका को ही क्यों चुना? मतलब कि ये कि उसने तुम्हें ही बचाया, बल्कि गलती तो तुम्हारी थी ना, गाड़ी तो तुम चला रहे थे, पर मरी रितिका क्यों आखिर? ये सुनने के बाद मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया और मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। एलिसिया कहती है, देखो शिवांश, मेरा इरादा तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था और ना ही तुम्हें दोषी ठहराना, मैंने बस इन बातों के बीच फंसी हुई मुश्किलों के सवाल बाहर निकाले हैं। देखो, वक्त बहुत कम है और सवाल बहुत सारे। पहले तुम मुझे ये बताओ कि वो सिक्योरिटी गार्ड का केबिन कहाँ है। तुम्हें पहले ये पता करना होगा कि वो सिक्योरिटी गार्ड आखिर कौन था, वो तुम दोनों के पीछे क्यों पड़ा हुआ था। हाँ ठीक कह रही हो, चलो आगे चलते हैं। मैं आगे था और एलिसिया मेरे पीछे पीछे। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूँ
तभी एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है, शिवांश। मैं जैसे ही पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एलिसिया को कोई पैर से पकड़ के ऊपर की ओर तेज़ी से खींच के लेके जा रहा था, और वो एक सुपरनैचुरल पावर थी, क्योंकि वो जो भी चीज़ थी मैं उसे नहीं देख पा रहा था। मैं देखता हूँ कि एलिसिया को खींचते हुए वो चीज़ एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खोल देती है, और उसके बाद एलिसिया को उसी कमरे के अंदर ले जाती है। पर जो कोई भी एलिसिया को लेके जा रहा था वो उसे और कहीं नहीं रूम नंबर 12 में लेके जाती है, जो कि ठीक हमारे रूम के बराबर में था। मुझे बहुत ही ज़ोर का झटका लगता है ये सब देखने के बाद। मैं सीधा कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूँ, जोर जोर से चीखता हूँ, खोलो इस दरवाज़े को, जो कोई भी अंदर है प्लीज़ खोलो, एलिसिया को बाहर निकालो, दरवाज़ा खोल दो, एलिसिया कुछ तो बोलो एलिसिया प्लीज़। मेरी सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थी, पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैं दरवाज़ा खटखटा कर बैठ गया और बार बार एलिसिया का नाम लिए जा रहा था। वहाँ रोते रोते मुझे होश ही नहीं रहा कि कब मेरी आँख लग गई, और उसके बाद जब मेरी आँखें खुलती हैं तब मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था और देखता हूँ कि दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं फौरन उठ के काँपता हुआ अंदर जाता हूँ और वहीं ज़ोर ज़ोर से एलिसिया को चिल्ला कर बुलाने लगता हूँ। थोड़े अंदर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि वहाँ फर्श पर खून लगा हुआ था, और ये सब देखकर मैं हक्का बक्का रह गया था। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं एलिसिया को कुछ ना हो गया हो। रूम देखने के बाद मैं रूम से बाहर निकलता हूँ और वहीं पर ज़ोर ज़ोर एलिसिया एलिसिया चिल्लाने लगता हूँ, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। मैं चिल्ला ही रहा था कि मुझे अचानक से पीछे से किसी ने ज़ोर से धक्का मारा और मैं सीधा जाकर दूसरे माले की सीढ़ी की ग्रिल से लटक गया। इससे पहले मैं ऊपर चढ़ पाता मेरा हाथ छूट गया और मैं दूसरे माले से सीधा पहले माले पर आ गिरता हूँ। मेरी पीठ में बहुत तेज़ लगी थी और मैं दर्द के मारे कराह रहा था। मेरी आंखें खुल नहीं पा रही थी कि तभी मेरे पास किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है, और ध्यान से सुनने पर मैं देखता हूँ कि वो आवाज़ धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ रही है। मैं कांपती हुई आवाज़ में बोलता हूँ, कौन है वहाँ पर? इतने में एक डरावनी सी मर्दानी आवाज़ में कोई बोलता है, अरे साहब आप ठीक तो है ना, कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई आपको? हाँ भाई साहब मैं ठीक हूँ, ज़्यादा चोट नहीं आई। और इतने में ही वही मर्दानी आवाज़ एक भयानक डरावनी आवाज़ में बोलती है, तो साहब अब तैयार हो जाओ, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने यहाँ पर आकर। इतने में मैं अपनी आँख जैसे तैसे रगड़ता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही मैं देखने लगता हूँ तो देखता हूँ कि सामने वही उस कपल वाला आदमी खड़ा था। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, मैं इससे पहले कुछ सोच पाता उससे पहले ही एक अनजान शक्ति ने मुझे पहले माले से नीचे धक्का दे दिया, और उस धक्के से मैं सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिर गया और फिर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैं देखता हूँ कि मुझे कोई बेहोशी में से उठा रहा है, और जब मुझे हल्का हल्का होश आने लगा और धीरे से मेरी आंखें खुली तो मैं देखता हूँ कि मुझे एलिसिया उठा रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। जैसे ही मैं हल्के होश में बाहर आता हूँ और समझ जाता हूँ कि ये आवाज़ एलिसिया की है, मैं तुरंत उठता हूँ और बोलता हूँ, तुम ठीक हो ना एलिसिया, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? मैं डर ही गया था कि शायद मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, मुझे लगा कि कहीं तुम्हारा हाल भी रितिका की तरह ना हो जाए। इतना कहकर मैं एलिसिया को गले लगा लेता हूँ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ, और देखता हूँ कि एलिसिया के सर पर
चोट लगी है। मैं उससे पूछता हूँ, तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? और मेरे पूछते के साथ ही एलिसिया को पसीना आने लगता है। जो कोई भी मुझे अंदर कमरे में घसीट कर लेके गया था वो एक औरत थी। वो मुझे बेड के नीचे घसीट कर लेके जा ही रही थी और मैं आते बेड के नीचे चली भी गई थी कि तभी मैंने पूरी ताकत लगाई और वहाँ से उठी और भागी। मैं एक ही कदम आगे बढ़ी थी कि तभी मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गई और ये चोट मुझे नीचे गिरने पर लगी थी। जब मुझे होश आया तो मैं रूम के बाहर पड़ी थी और जैसे तैसे लड़खड़ाती हुई मैं उठी और तुम्हें दूसरे माले से नीचे बेहोश पड़ा हुआ देखा। मैं तुरंत दूसरे माले से नीचे और यहाँ आकर तुम्हें उठाने लगी, लेकिन तुम कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मैं काफ़ी समय से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उठा और फ़ोन निकालकर टाइम देखा तो रात के 3 बज चुके थे। मैं समझ गया था कि अब जो भी होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि पिछली बार भी 3 बजे के बाद से ही हादसे दुगुने हो चुके थे। मैं सोच ही रहा था कि तभी उन्हीं कबल की हमारे चारों ओर से आवाज़ें आने लगी, जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, मदद करो, हमारी मदद करो, सर अपनी अपनी कार रोको ना, प्लीज़ हमारी मदद कर दो। अब कहाँ जाओगे बच के? अब बचकर कहाँ जाओगे? मैंने एलिसिया से कहा, भागो, ये वही आत्माएं हैं। लेकिन हम भाग नहीं पाए, इसीलिए हम डर से रिसेप्शन के पीछे जाकर छुप गए। आवाज़ें बढ़ती जा रही थी और इन्हीं आवाज़ों के बीच मेरा हाथ रिसेप्शन के डोर पर लगता है और मुझे वहाँ पर एक चाबी मिलती है। वो चाबी रूम नंबर 12 की थी। मुझे पता नहीं क्या सोचता है और मैं वो चाबी अपनी जेब में रख लेता हूँ। अचानक से आवाज़ें आनी बंद हो गईं और मैं झांक के देखता हूँ तो सब शांत हो चुका था, पर मुझे क्या पता था कि ये शांति तूफान आने से पहले की थी। मैं झांकते हुए एलिसिया को बुलाता हूँ और बोलता हूँ, एलिसिया चलो उठो, सब कुछ शांत हो गया है। लेकिन एलिसिया कोई भी जवाब नहीं देती और मैं उसकी तरफ जैसे ही देखता हूँ तो वहाँ पर एलिसिया नहीं थी बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था और मुझे देखते के साथ ही वो बोलने लगता है, अरे साहब, कहाँ जाने की बात हो रही है? अभी तो हमारी खातिरदारी पूरी ही नहीं हुई। इतना बोल के वो मुझे अपनी खून भरी लाल आंखों से देखे जा रहा था और उसकी नज़रों के खौफ से मैं पसीने से तरबतर हो गया था। कितने में ही मुझे एलिसिया की आवाज़ ऊपर से आती है, शिवांश, और तभी मुझे वो सिक्योरिटी गार्ड ज़ोर से धक्का मारता है और मैं पीछे जाकर गिरता हूँ। मुझे बहुत तेज़ लगती है और तभी मुझे एलिसिया की दोबारा आवाज़ आती है। मैं फौरन उठता हूँ, सीढ़ियों के ऊपर चिल्लाता हुआ भागने लगता हूँ, एलिसिया मैं आ रहा हूँ रुको, और ऐसा कहकर मैं फौरन छत पर पहुँच जाता हूँ और देखता हूँ कि एलिसिया छत के बिल्कुल कोने में खड़ी थी और बोलने लगती है, शिवांश मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं उसके पास जाता हूँ और जैसे ही मैं उसके पास पहुँचने वाला होता हूँ तभी वो बोलती है, शिवांश अपने पीछे देखो। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और वहाँ पर वही दो कपल और सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे और इतने में ही एलिसिया का पैर फिसल जाता है। और लेकिन मैं उसके गिरने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। एलिसिया हवा में लटक जाती है और वो तीनों आत्माएं मेरे पास आ रही थी। जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गए तो मैं भी एलिसिया के साथ ही नीचे गिर गया। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन हम लोग जिंदा बच गए। हमने ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और सीधा कार की ओर भागे। हमारे भागते के साथ ही वो तीनों आत्माएं
हमारे सामने आ चुकी थी। डर के मारे हम लोग वापस रिजॉर्ट के अंदर भागे और हम इतना तेज़ दौड़ रहे थे कि हमें पता भी नहीं चला कि हम कौन से रूम में घुस गए। लेकिन ध्यान से जब हमने उस रूम को देखा तो हमें पता चला कि वो रूम और किसी का नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड का रूम था, यानी कि ये वही रूम था जहाँ पर हमें आना था। मैंने एलिसिया से बोला, यहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में, तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। कमरे में ज़्यादा सामान नहीं था और ना ही ज़्यादा बड़ा कमरा था। सामान भले ही थोड़ा है पर हमारे सवालों के सामने ये सामान भी एक बहुत बड़ा सा पहाड़ लग रहा था, और ऊपर से वो कमरा आधे से ज़्यादा जला हुआ था। हम दोनों ने काम बांट लिए और लेफ़्ट में धरे हुए सामान को मैं और राइट में रखे हुए सामान को एलिसिया देखने लगी। कमरे में एक जंग खाई हुई अलमीरा थी जो कि जंग लगने की वजह से खुल नहीं रही थी। मैंने एलिसिया से कहा, ज़रा मदद करो, और फिर हम दोनों ने एक दूसरे की मदद करके उस अलमीरा को खोल लिया। और जब वो खुली तो हमने देखा कि उस अलमीरा के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की सिक्योरिटी ड्रेस थी और अलमीरा का लॉकर भी खुला हुआ था। उसमें हमने देखा तो उसमें कुछ सिक्के पड़े हुए थे और उन सिक्कों को देखकर ये पता चल रहा था कि इस जगह के जलने के बाद यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन शायद नहीं हुई है। लॉकर के अंदर हाथ डालने पर मुझे एक और चाबी मिली जो कि शायद किसी और लॉकर या फिर किसी छोटे ताले की थी। मैं उस चाबी को अपने पास रख लेता हूँ और फिर हम दोनों बिस्तर के नीचे देखने लगते हैं तो वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक कैलेंडर मिलता है जो कि पिछले साल का था। फिर हम दीवार पर लगी शेल्फ को देखते हैं और वहाँ भी हमें कुछ खास नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सिक्योरिटी गार्ड कौन था, आखिर वो हमें क्यों मारना चाहता था, हमने उसका क्या बिगाड़ा था। मैं चाबी निकालता हूँ और देखने लगता हूँ कि कुछ तो होगा इस चाबी में, और तभी मेरे हाथ से वो चाबी छूट जाती है और बेड के नीचे चली आती है। मैं चाबी ढूंढने को झुकता कि तभी मेरी नज़र बेड के नीचे पड़ी एक लोहे की पेटी या फिर एक लोहे के संदूक पर पड़ती है। मैं उस पेटी को बाहर निकालता हूँ और एलिसिया को बोलता हूँ कि देखो, मुझे यहाँ ये एक लोहे की पेटी मिली है। एलिसिया मुझे उस पेटी को खोलने के लिए कहती है और मैं हाँ में सर हिलाता हूँ, लेकिन फिर एलिसिया पूछती है कि इस पे तो ताला लगा हुआ है, और मैं अलमारी से मिली हुई चाबी निकालते हुए कहता हूँ, काश ये इसकी ही चाबी हो, हो सकता है, कोशिश करो। मैं उसी चाबी से पेटी खोलता हूँ और वो पेटी उसी चाबी से खुल भी जाती है। उसे खोलने के बाद उसमें से जो निकला उसे देखते ही हम दोनों पसीने से नहा चुके थे। उसमें कुछ तस्वीरें थी जो कि उस सिक्योरिटी गार्ड के अकेले की नहीं थी, उसमें उसके साथ वही दो कपल थे, और ये देखने के बाद हम और ज़्यादा परेशान हो गए। एलिसिया बोलती है कि ये तो वही औरत है जो मुझे घसीट कर रूम नंबर 12 में लेकर गई थी, और मैं बोलता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर उस तस्वीर में वो सिक्योरिटी गार्ड और इन दोनों कपल का रिश्ता नाता क्या था। एक तस्वीर ऐसी भी थी जो कि रूम नंबर 12 के बाहर की थी, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ रही थी कि अगर हमें कुछ मिलेगा तो वो रूम नंबर 12 में ही मिलेगा। हम दोनों बहुत डर गए थे और मैंने एलिसिया से कहा, देखो मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ पर हमें ना तो दाएं देखना है ना बाएं, सीधा भागकर रूम नंबर 12 में जाना है। मैंने कांपते हुए हाथ से दरवाज़ा खोला और दोनों सीधा ऊपर की ओर भागे।
भागते हुए हमें सिर्फ दो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मदद करो, प्लीज़ मदद कर दो, गाड़ी रोको। हम दोनों भागकर रूम्स वाली साइट पहुँचे तो वहाँ पर रूम नंबर 12 था ही नहीं, बल्कि सिर्फ रूम नंबर 11 था और उसके बाद रूम नंबर 13। ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो रूम नंबर 12 था और 11 के बाद 13 कैसे आ गया? एलिसिया रोने लगती है और कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं रोने लगा, मेरे भी आंखों में आंसू आने लगे और मुझे देखकर एलिसिया कहती है, प्लीज़ तुम मत रो, हमें ज़रूर पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। और इसी बीच हमें ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों एकदम हैरान थे कि आखिर ऊपर से किसकी आवाज़ें आ रही है। मैं डरा तो बहुत था पर मैंने ठान ली थी, ऊपर तो मैं जाऊँगा, चाहे अब मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। आखिर रितिका का सवाल था। मैं उठा और सीधा ऊपर की ओर चल दिया और एलिसिया मुझे रोकने लगी, प्लीज़ मत जाओ शिवांश, ऊपर मत जाओ। मैंने उससे कहा, हाँ अंबारी मेरे मरने की है, अगर जीते जी यहाँ से जाना है तो रितिका की मौत का राज पता करके जाना है, और अगर मुझे मरना है तो रितिका की याद के साथ यहीं पर मरना है। और मेरे इतना बोलते के साथ ही एलिसिया बोली, अगर तुम्हें यहाँ मरना है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूँगी। मैं तो वैसे भी अनाथ हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, अगर एक दोस्त के काम ना आ सकी तो फिर क्या ही फ़ायदा मेरे ज़िंदा रहने का। इतना कहकर एलिसिया मेरे गले लग जाती है और मैं उसके आंसू पहुँच देता हूँ और उससे पूछता हूँ कि आखिर मेरी इतनी मदद तुम क्यों कर रही हो। इतने सालों बाद कोई अच्छा इंसान मिला है तो उसको कैसे छोड़ के चली जाऊँ। अब चलो बहुत हो गया, अब ऊपर चलते हैं। हम दोनों धीरे धीरे ऊपर गए, लेकिन हमें क्या पता था कि हम क्या देखने वाले हैं, लेकिन जो हमने देखा वो किसी को भी डरा सकता है। हम ऊपर तो पहुंच गए पर हम तीसरे माले पर थे और यही सबसे बड़ी खौफ की बात थी, क्योंकि उस रिजॉर्ट में बस दो ही माले थे और दूसरे माले के बाद सीधा छत आती थी, पर ये माला बिल्कुल दूसरे माले के जैसा था। थोड़ा आगे चले तो देखा कि वही सिक्योरिटी गार्ड, वही दो कपल जो बिल्कुल उसी पोज में फ़ोटो खिंचवा रहे थे जैसे हमने उन्हें तस्वीर में देखा था। हम उन्हें देख ही रहे थे कि तभी वह एक झटके से हमारी ओर देखते हैं और चिल्लाते हैं, चले जाओ। उनकी तीनों की आवाज़ इतनी तेज थी कि हमें अपने कान बंद करने पड़ गए, और जब हमने आंखें खोली तो देखा कि वो तीनों यहाँ पर थे ही नहीं। हमने अपने कानों पर से हाथ हटाया और कहा, सही वक्त है सीधा कमरे में चलने का। हम जैसे ही कमरे में घुसने वाले होते हैं तभी मेरा फ़ोन बजता है और मैं देखता हूँ कि वो कॉल था विनय का। विनय से मेरी बात काफ़ी टाइम से नहीं हुई थी पर आज उसका फ़ोन खुद आया था तो मैं भी सोच में पड़ गया और फ़ोन उठाया। हेलो, तूने ऑफिस में छुट्टी का नोटिस दिया हुआ है, अचानक से बताया भी नहीं। हाँ सॉरी पर मुझे वक्त नहीं मिला, पर अभी तू कहाँ पे है? किसी को मत बताना, दरअसल मुझे मेरी और रितिका की तस्वीर में कुछ ऐसा मिला जिस पर मेरी नज़र पहले नहीं गई थी, और अब इसीलिए मैं और एलिसिया दोनों रिजॉर्ट में हैं। पर एलिसिया को क्यों? एलिसिया को मैं नहीं लाया बल्कि वो खुद यहाँ पर मेरा पीछा करके आई है। पर तू मुझे ये बात बता, ऐसे अचानक से तूने कॉल क्यों किया? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुन जो मैं कह रहा हूँ। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब तुम्हारी एक गलती के कारण हुआ था। अगर हम पोस्टमार्टम की माने तो रितिका की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, और अगर बातों को गहराई में लेकर जाया जाए तो रितिका कार के पीछे वाली सीट पर थी। कि रितिका गाड़ी से बाहर कैसे आ गई, और ये बात तो अभी तक पुलिस को भी नहीं पता है कि रितिका को तूने पीछे वाली सीट पर लेटाया था, लेकिन मेरी नज़रों में रितिका उस टाइम पर ज़िंदा थी। शायद वो तुझे देख रही होगी,
जब उसे होश आया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था ये ना तुझे पता है और ना मुझे पता है। और तो और सबसे बड़ी बात, तूने मुझे जिस पुलिस ऑफिसर की बात बताई थी जो कि तेरे घर पर पूछताछ के लिए आया था, वो कोई पुलिस ऑफिसर था ही नहीं। जब मुझे लगा कि वो रितिका की बॉडी की तलाशी चल रही है तो पुलिस ऑफिसर से कुछ बात पता चल जाएगी, और इसीलिए मैंने पुलिस स्टेशन में कॉल किया और कहा कि मुझे रिजॉर्ट वाले एक्सीडेंट के बारे में कुछ बात करनी है जो कि कुछ महीने पहले हुआ था। और उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर पूछताछ के लिए मिस्टर शिवांश के घर मिलने आए थे, क्या उनसे बात हो सकती है। पर जब मुझे वहाँ से जवाब आया तो उसे सुनकर मैं अंदर से हिल गया, और उन्होंने बताया कि हमारे पास से उनसे मिलने कोई भी नहीं गया था, शायद उनको कुछ गलत फहमी हुई है। और जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था वो एक एक्सीडेंट ही था, और उसी एक्सीडेंट में उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, और हमने वो केस वहीं के वहीं रोक दिया था। ये सुनने के बाद मैंने फ़ोन कट कर दिया, और यही सब बातें मुझे तुझे बतानी थी, और मैं अब तुम दोनों के पास आ रहा हूँ। इतना बोलते ही विनय ने फ़ोन रख दिया, और ये सब सुनने के बाद मेरा सर चकराने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैंने एलिसिया को सब बता दिया था, वो भी एकदम हैरान थी। इन सब बातों से अचानक मेरा ध्यान टूटता है, और फिर हम दोनों रूम नंबर 12 के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूम बंद था। और तभी मुझे उस चाबी की याद आती है जो कि मुझे रिसेप्शन के डोर पर मिली थी। मैं उस चाबी का यूज़ करता हूँ और वहाँ का वो दरवाज़ा खुल जाता है। हम अंदर जाते हैं और वक्त को बर्बाद ना करके सीधा कुछ ऐसा ढूंढने लगते हैं जिससे शायद हमें उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पता लगे। रूम की दीवारें खाली थी, अलमारी में भी कुछ नहीं था, और ड्रॉर के पीछे देख रही थी कि तभी बेड के नीचे से एक हाथ निकलता है और वो एलिसिया को अंदर की ओर खींचने लगता है। मैं एलिसिया को अपनी तरफ ज़ोर से खींचता हूँ, और जैसे ही मैं एलिसिया को बचाता हूँ वो हाथ अपने आप अंदर कहीं गायब हो जाता है। पता नहीं मुझे क्या सूझता है और मैं बेड के नीचे झांकता हूँ, और मुझे उस बेड के नीचे भी एक लोहे की पेटी मिलती है। पर अच्छी बात ये थी कि उसमें कोई ताला नहीं लगा हुआ था, और उस पेटी को खोलने के बाद जो मुझे मिला वो शायद मेरे सवालों के लिए काफ़ी था। पहले तो मुझे कुछ तस्वीरें मिली जिनके मिलने का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे एक डायरी मिलती है जो कि एक लड़की की थी, और उस डायरी पे नाम लिखा हुआ था अवनी। उसे पढ़ने के बाद शायद हमारे जवाब हमें मिलने वाले थे। उसमें लिखा था, डियर पापा, मैं बहुत खुश हूँ पापा कि आपने मेरी शादी मेरे प्यार आरव से करवा दी। इस शादी के एक साल बाद हम पहली बार घूमने के लिए जा रहे हैं, वो भी आपकी बदौलत। आप भले ही यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं, पर आप हमारे लिए हमारे प्यारे से पापा हैं, और आपके मालिक ने हमें यहाँ पर रहने की जगह दी। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे आपने क्या दिया है। आपने शुरू से ही आरव को अपना बेटा माना है, और आरव के माँ बाप के गुजरने के बाद आपने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और शायद आपके आरव पे भरोसे के कारण ही आपने मेरी शादी उससे करवा दी। आरव बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पिछले एक साल में उन्होंने मुझे बहुत खुश रखा है, और आज न जाने वो मुझे कहाँ घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा तो पापा, मैं अब चलती हूँ, हमारे जाने का वक्त हो चुका है, बाकी बातें आकर लिखती हूँ। ये सब पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल सहम चुका था, और मुझे इतना पता चल चुका था कि वो सिक्योरिटी गार्ड अवनी का पिता था। इसके बाद मुझे उस पेटी में एक कैमरा मिलता है, लेकिन उस कैमरा को देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कैमरा किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उसके अंदर
अब भी बैटरी थी। उसमें हमारी फ़ोटोज़ अभी तक थी और उसमें अवनी और आरव की भी पिक्स थी जिन्हें मैं प्ले करने लगा। उसमें हमारी कई सारी पिक्चर्स थी और उसमें ही एक वीडियो भी थी जिसे मैं प्ले करने लगा और मैंने देखा कि वो कैमरा रितिका के हाथ में है और वो वीडियो तब की थी जब हम पिछले साल रिजॉर्ट से वापस जाने वाले थे। उस वीडियो में रितिका हाथ में कैमरा लिए एक कार के पास जाती है और उस कार में से पेट्रोल निकालने लगती है। वो पेट्रोल निकाल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उससे बचने के चक्कर में रितिका के हाथ से कैमरा वहीं पर गिर जाता है। और जब वो कैमरा सिक्योरिटी गार्ड उठाता है तो उसका चेहरा भी उसमें आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड को वो चलाना नहीं आता था तो वो उसे ऐसे ही बंद करके रख देता है। ध्यान देने पर मुझे पता चलता है कि जिस कार में से पेट्रोल निकाला जाता है वह कार वही थी जिस कार में वो दो कपल यानी अवनी और आरव थे। मैं सब कुछ समझ चुका था कि रितिका क्यों मारी गई, क्योंकि रितिका ने उनकी कार से पेट्रोल निकाला। पर क्यों? उस दिन की मुझे एक और बात याद आई। जब हम सुबह सुबह रिजॉर्ट में उठे थे तो मैंने रितिका से कहा था कि यार गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ का आसपास का रास्ता इतना सुनसान है कि बिना पेट्रोल के कुछ हो नहीं पाएगा, अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, आखिर क्या किया जाए। और रितिका ने शायद इसी वजह से ये इतनी बड़ी गलती कर दी थी जिसकी सज़ा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मैं वहीं बैठे बैठे रोने लगा और एलिसिया मेरे आंसू पोंछने लगी। तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा मानो अपने आप खुलता है और एलिसिया का पैर कोई अनजान शक्ति पकड़ लेती है और सीधा उसे घसीट के नीचे फेंक देती है। एलिसिया सीधा बीच होल में ज़मीन पर आकर गिर जाती है और मैं भागा भागा एलिसिया के पास जाता हूँ। एलिसिया बेहोश पड़ी हुई थी। मैं उसका सर अपने घुटने पर रखता हूँ और उसे होश दिलाने की कोशिश करता हूँ कि तभी रिजॉर्ट का मेन गेट बंद हो जाता है और आवाज़ आती है, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पिछले बार तो तू बच गया था ना, पर इस बार तू भी जाएगा और तेरी ये दोस्त भी जाएगी। तेरी पत्नी की वजह से हम दोनों की जान गई थी, तेरी पत्नी की वजह से एक बाप की जान गई थी और आज तेरी भी जान जाएगी। तभी मैं बोलता हूँ, मेरी जान ले लो पर एलिसिया को छोड़ दो प्लीज़, मेरी पत्नी की सज़ा एलिसिया को मत दो। मैं जानता हूँ कि गलती हुई है पर गलती की सज़ा एक बेकसूर को देना ये कहाँ का बदला हुआ। गलती की सज़ा मुझे दो, उसका हकदार मैं हूँ। प्यार तो तुमने भी किया था ना, तो अब तुम किसी और के प्यार को कैसे मार सकते हो। प्यार तुमने भी किया था और मैंने भी किया, बस फर्क इतना है कि मेरी पत्नी से वो गलती हो गई जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी। और यहाँ तो तुम्हारे पिता भी है ना जिन्होंने दो प्यार करने वालों को मिलाया है। अरे कैसे बाप हो तुम, एक तरफ तुम दो प्यार करने वालों को मिलाते हो और दूसरी तरफ हमें अलग कर देते हो। और हमारी गलती ये थी कि मेरी पत्नी से गलती हो गई और उसकी सज़ा तुमने उसकी जान लेकर दे भी दी उसे। मैं यही सब जोर जोर से कहने लगा और मेरे ये बोलते के साथ ही माहौल एकदम शांत हो गया और अचानक एलिसिया होश में आ गई। रिजॉर्ट का दरवाज़ा भी अपने आप से खुल गया। मैं एकदम टूट चुका था। धीरे धीरे एलिसिया को पकड़कर गाड़ी के पास लेकर जा रहा था। तभी देखता हूँ कि रिजॉर्ट के बाहर एक गाड़ी रुकती है जिसमें से विनय निकलता है और मेरे पास आता है। मैं उससे पूछता हूँ, भाई तू यहाँ पर? विनय बोलता है, ये एलिसिया को क्या हुआ? ये सब बाद में, ये तू ये बता, तू यहाँ पे क्यों आया? दरअसल मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तभी मेरा मन बदला और पहले मैं सीधा यहाँ के पास के पुलिस स्टेशन में गया था। वहाँ जाकर पता चला कि इस रिजॉर्ट का जो हाल हुआ है
वो किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हरविंद ने किया था। जब उसे ये बात पता चली थी कि उसके बच्चे मारे गए हैं, तो उसने गुस्से में और शायद डिप्रेशन के कारण अगले दिन रात के समय पूरे रिजॉर्ट में आग लगा दी और खुद को भी आग के हवाले कर दिया। बाकी लोगों को बचा लिया गया। ये सुनने के बाद बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा वक्त वहाँ पर बर्बाद नहीं किया और वहाँ से वापस चले गए। हमें हमारे लगभग सारे जवाब मिल चुके थे, या फिर शायद नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या ये घटना पूरी है? आपके जो सवाल हैं उन्हें आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, ये थी रिजॉर्ट की बेहद खौफनाक कहानी का पार्ट 3। क्या ये कहानी पूरी है या फिर अधूरी, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही बेहद खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जो कि आप चाहते हो कि मैं उसे अपने चैनल पर सुनाऊँ, तो आप उसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हो जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रही है। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।